I did not even pick up my phone for any reason. ट्रिगर आपको मिलते हैं विजुअल ऑडिटरी। अपने दिमाग में डोपामाइन की वजह से अलग-अलग काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं। Anything and everything that makes you happy is somehow related to dopamine. डोपामाइन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है जब हमें लगता है कि हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। Brain dopamine level increases. डोपामाइन फास्टिंग। डोपामाइन डिटॉक्स इस टॉपिक को किसी यूट्यूबर ने निचोड़ा, सबने इसे निचोड़ कर रख दिया एंड सबने एक आइडिया एक नैरेटिव सेल करा कि अगर तुम डोपामाइन डिटॉक्स पर जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी बेटर बन जाएगी। बट ये जो चैलेंज इन्होंने बनाकर रखा है, क्या तुम इससे सही में नए एडिक्शंस को क्विट कर सकते हो? तो सबसे पहले जो ये डोपामाइन डिटॉक्स का आइडिया सेल करते हैं उसमें कहते हैं कि अगर तुम ऐसी भी कोई भी चीज कर रहे हो जिससे तुम्हें मजा आ रहा है, फन हो रहा है, वो गलत है तुम्हारे लिए एंड दैट इज द रेड फ्लैग। ये कहते हैं कि अगर तुम कंप्यूटर चला रहे हो, अगर तुम लैपटॉप चला रहे हो, फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम, तो ऑब्वियसली हाई डोपामाइन डिटॉक्स करना पड़ेगा उसे। बट ये कहते हैं अगर तुम कोई भी चीज ऐसी कर रहे हो जो कि मैन मेड है, वो बेसिकली बकवास है, तुम्हारा डोपामाइन सिस्टम खराब कर देती है। एंड इन यूट्यूबर्स ने ऐसे चैलेंजेस बना लिया कि 7 दिन तक मैं डोपामाइन डिटॉक्स करूंगा, उसके बाद मैं वापस उसी ट्रैक पर आ जाऊं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद डोपामाइन डिटॉक्स दैट दे आर सेलिंग यू इज डोपामाइन डिटॉक्स इज नॉट अ चैलेंज, इट्स अ लाइफस्टाइल। डोपामाइन डिटॉक्स वो चीज नहीं है कि तुमने हर संडे कर दी, तुम्हारा हो गया हा हा हु हु, फिर मंडे को बैक ऑन दैट ट्रैक। ये नहीं है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि तुमने हफ्ते भर तक चीजें क्विट कर दी उसके बाद वापस वही चालू कर दिया। अगर तुम एक दारूबाज से एक हफ्ते तक दारू ले लोगे ना और उसे फिर 8वें दिन दारू दोगे तो वो सिर्फ उतनी डोज नहीं लेगा, वो पिछले 7 दिन का सारा निचोड़ पी लेगा 8वें दिन। डोपामाइन डिटॉक्स डज नॉट वर्क द वे That these guys are telling you. ये ऐसे ऐसे क्लेम्स करते ना कि तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो जाएगा, बस एक दिन क्विट कर दो, 2 दिन क्विट कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं चाहिए। यू गो बैक ऑन दैट पाथ, यू गो बैक ऑन दैट ट्रैक और फिर लोग गालियां देते हैं भाई डोपामाइन डिटॉक्स से कुछ होता नहीं है, क्योंकि तुम डोपामाइन डिटॉक्स कर ही नहीं रहे थे ढंग से। दैट इज नॉट हाउ यू डू, यू डोंट गो कोल्ड टर्की इन वन डे, ग्रेजुअल प्रोसेस। यही चीज लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं तुम्हें अपना बता दूं, मैं जब अपने शेरू की मालिश करा करता था ना इस मॉइस्चराइजर से, जी मैं पूछा कहाँ से आया, तब मैं रोज करता था एंड जब भी मैं 4-5 दिन के लिए क्विट कर देता था ना और जिस दिन वापस मैं चालू करता था मैं 4-5 बारी का एक साथ ही निकाल देता था। दैट वाज द थिंग। एंड मैं एक बार करता उसके बाद मेरा मन नहीं भरता, मैं दूसरी बार करता, तीसरी बार करता, मैं कहता भाई नो फैप स्ट्रिक टूटी तो गई, अब 2-3 बार कर लेते फिर दोबारा चालू कर देंगे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट डोपामाइन डिटॉक्स चैलेंज डस टू यू। तुम्हें एक हफ्ते तक सही चला देगा, 8वें दिन तुम वापस आ जाओगे और उसी मोनोटोनस लाइफ में, उसी डल लाइफ में, उसी ब्लैंड लाइफ में घुस जाओगे, घटिया लीचड़ गंदी सी गलीच सी जो लाइफ चल रही थी उसी में ही वापस आ जाओगे। That's what dopamine detox does to you. अब इन्फ्लुएंसर कहेंगे no bro, it actually works, it's scientifically proven. कर ले फिर, देख लियो। अब ये कहते हैं ना तुम एक्सट्रीमिटीज पे ले जाओ डोपामाइन डिटॉक्स को। देखो जब भी एक्सट्रीमिटीज की बात आए आई एम इन फेवर ऑफ दैट, बट जो तुम्हें एक्सट्रीमिटीज करनी है ना वो 1 से 2 साल तक करनी है, उसके बाद कभी नहीं करनी जिंदगी में। अगर इंस्टाग्राम क्विट करना है, स्नैपचैट क्विट करना है, व्हाटएवर इट इज, तुम्हें कुछ सालों के लिए करना है। इट्स नॉट लाइक हफ्ते भर के लिए कर दिए तुम वापस आ जाओगे डीएक्टिवेट, तुम्हारा मन वहीं मंडराएगा ब्रो, वहीं पे वापस आ जाओगे। अगर तुम किसी चीज पे 100% कमिटमेंट नहीं करते हो ना, थोड़ा सा भी उसे छोड़ देते हो वो वापस उगाती है। देखा होगा अगर पेस्टिसाइड करवाते हैं ना घर में और एक कमरा खाली छोड़ देते हैं तो बाहर वापस आ जाते हैं वो जो कीड़े मकोड़े होते। यही होता है तुम्हारी लाइफ के साथ भी, तुम्हारे कीड़े मकोड़े जो है ना लाइफ में इंस्टाग्राम स्नैपचैट ट्विटर ये वापस आ जाते हैं एंड डबल तेजी से आते हैं आपकी बारी। डोपामाइन डिटॉक्स कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है जहां पर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, इट्स अ लाइफस्टाइल। अब तुम्हें ये नहीं करना एकदम एक्सट्रीमिटीज पे ले जाना, तुम्हें एक मॉडरेट डोपामाइन डिटॉक्स करना है। अपनी लाइफ से कुछ पर्टिकुलर चीजें हटानी है, अपनी लाइफ से ऐसी चीजें हटानी है जो सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं। दैट इज व्हाट यू नीड। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है तुम खाना भी छोड़ दिया, तुमने म्यूजिक भी छोड़ दिया, तुमने अपनी लाइफ को ही डल बना लिया, क्या फायदा फिर? इससे अच्छा जो संडे को तुम डोपामाइन डिटॉक्स कर रहे हो हटाई दो उसे, क्या फायदा उसका, उसमें भी मजे कर लो। व्हाट पीपल डू इज दे गो ऑन टू एक्सट्रीमिटीज, उसका कुछ फायदा नहीं है ब्रो। और ये चैलेंज है ना डोपामाइन डिटॉक्स नहीं है, डोपामाइन गो बैक चैलेंज है, तुम वापस उस पे आ जाते हो ब्रो, कुछ फायदा नहीं है इसका। एंड द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योरसेल्फ फ्रॉम दिस डोपामाइन इज टू कट ऑफ कंप्लीटली समथिंग, तुम्हें हर चीज नहीं करनी है। नाउ इफ यू लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक क्यों कुछ छोड़ना, क्या फायदा? डज म्यूजिक अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी? नो इट डज नॉट। म्यूजिक इज अ साइड प्रोडक्ट जो साथ में चलता रहता है तुम्हारे साथ। डज इंस्टाग्राम अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी? यस इट डज, आंसर इज यस, उसे हटा दो। टीवी डज इट अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी? नो इट डज नॉट, बिकॉज टीवी तुम थोड़ी देर ही देखते हो दिन में। देयर आर फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ दैट यू नीड। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट बना दो, यू नीड दोस थिंग्स, छोटे मोटे मोमेंट्स चाहिए होते हैं। यू लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड ब्रो, यू कैन नॉट लिव विदाउट दीज थिंग्स, लेट्स बी रियल हेयर। अगर तुम काम करते हो तुमने लैपटॉप ही छोड़ दिया, क्या फायदा उसका, काम ही नहीं कर पाओगे, रोए रोए जा रहे हो भाई, नौकरी छूट गई हफ्ते बार बाद। दिस इज द थिंग,
अगर तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना है, जो चीजें मैक्सिमम तुम्हें डैमेज पहुंचा रही हैं, उन्हें क्विट कर दो, और वो बहुत मिनिमम चीजें होंगी, और जो मिनिमम चीजें हैं जो कि डैमेज नहीं पहुंचा रही, उन्हें रखो अपनी लाइफ में, उन्हीं से ही लाइफ तुम्हारी बेटर हो रही है। साइड प्रोडक्ट्स को रखो ब्रो, बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज पे मत जाओ डोपामिन डिटॉक्स में, इन्होंने तुम्हारा ये जो है ना व्यूज फार्म करने के लिए तुम्हारा ब्रेन फार्म कर दिया ब्रो, तुम्हारे दिमाग में ना बीज बो दिए इन्होंने ऐसे, और पेड़ उग गए टेढ़े मेढ़े, तुम्हें उसे फिक्स करना पड़ेगा। डोपामिन डिटॉक्स को चैलेंज की तरह नहीं, लाइफस्टाइल के लिए तरह लो। और अगर तुम्हें और इन्फॉर्मेशन चाहिए डोपामिन डिटॉक्स पे, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं वन ऑन वन कॉन्वर्सेशंस देता हूँ फ्री में, वो भी देखो इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, दैट वाज इट इफ यू लाइक इट। देखो माइंड सेट तुम्हारा मैं बदल रहा हूँ, ग्राइंड सेट तुम्हें खुद करना होगा। ग्राइंड सेट अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो लुक मैक्सिंग करो, पैसा चाहिए तो मनी मैक्सिंग करो, और अगर ये बनना है तो वैक्सिंग करो चेहरे की। आई डोंट नो, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड सेट तुम्हारा बदल रहा हूँ।